नाउ स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो प्रेस्टो शॉप है उसको लोकल पीसी के ऊपर यानी लोकल होस्ट के ऊपर हमने उसको डाउनलोड करके देखा इंस्टॉल करके देखा उसे कॉन्फिगर करके देखा और हमने अब उसको एक्सेस भी करके देखा है तो दैट वाज द लोकल होस्ट वर्जन यानी अभी हम उसको अभी हमने उसको इंटरनेट के ऊपर पब्लिश नहीं किया इंटरनेट किसके ऊपर पब्लिश करने का मतलब ये होता है कि अभी हम जो जो प्रेस्टर शॉप एक्सेस कर रहे हैं ब्राउजर में आपने देखा होगा हम लोग लोकल होस्ट लिखते हैं लोकल होस्ट से मुरादी होती है मेरा अपना पीसी यानी कोई अगर साथ वाला बंदा है कोई और यानी कोई और यूजर आपकी इंस्टॉलेशन को अगर एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय इसके कि आपके पीसी पे पी आके एक्सेस की जाए अब हम ये देखेंगे कि जो प्रेस्टर शॉप है उसको हमने किसी डोमेन नेम के साथ उसको हमने पब्लिश कैसे करना है यानी मेरे पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरा यू आर एल क्या है डोमेन नेम क्या है मैं डोमेन नेम लिखूंगा और उस डोमेन नेम के जरिए मैं अपना ऑनलाइन स्टोर मैं दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ एक्सेस कर लूंगा जस्ट लाइक एनी अदर एनी अदर वेबसाइट तो अब हम क्लाउड के ऊपर यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक आई एस पी कह लें या वो कंपनी जो जिसके थ्रू हम लोग डोमेन परचेज करेंगे और फिर होस्टिंग सर्विस भी हमें परचेस करनी पड़ेगी और फिर हम लोग प्रेस्टर शॉप को क्लाउड के ऊपर इंस्टॉल करेंगे मतलब जितने भी स्टेप्स हमने अभी देखे हैं प्रेस्टर शॉप को डाउनलोड करने से इंस्टॉल करने तक के लोकल होस्ट पे अब ये स्टेप हमने अपने कंप्यूटर पे नहीं करने अब ये किसी दूसरे के कंप्यूटर पे क्लाउड के ऊपर ऑब्वियसली जिसकी कंपनी की हम सर्विस लेंगे वो हमसे चार्ज करेगी लेकिन फिर जो जो प्रेसर शॉप की मेंटेनेंस है उसका डेटा जो है यूजर नेम्स पासवर्ड्स प्रोडक्ट्स का डेटा ऑर्डर का डेटा सारे का सारा डेटा उस क्लाउड के ऊपर पड़ा होगा जस्ट लाइक फॉर अ क्लाउड की एग्जांपल जो हमने की थी पहले एमेजॉन की तरह कह लें कि हमें खुद मेंटेन नहीं करना सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट तो लेट्स ट्राई टू डू द इंस्टोलेशन ऑफ प्रेस्टर शॉप और क्लाउड सो नाउ स्टूडेंट्स मैंने बेसिकली वन एंड वन डॉट कॉम एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया है और इसके ज़रिए मैं एक डोमेन नेम परचेज करूँगा और फिर उस डोमेन नेम के जरिए प्रेस्टर शॉप को डिप्लॉय करूँगा तो सिंपल मैंने लिखा ब्राउज़र में वन एंड वन डॉट कॉम स्लैश प्रेस्टर शॉप डॉट डैश होस्टिंग जब इस पर यह ब्राउजर में लिखेंगे तो इस तरह के पहले आपके पास आ जाएगा जब आप बॉटम पे जाके क्लिक करेंगे जब हम लोग बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं मैं बेसिकली बेसिक पैकेज पे गया हूँ जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी वो मुझसे पूछेगी कि जी डोमेन नेम आप लिखें यहाँ पर आप कोई भी डोमेन नेम लिख दें फिर आपने चेक किया उसके बाद आपको वो बता देगा कि अवेलेबल है नहीं है उसके बाद मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया तो अब उसके बाद आपका जो पेमेंट का मेकनिज़म है यानी इस स्टेप के बाद आपके पास पेमेंट का मैकेनिज्म आएगा आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह पूछेगा जब वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी सक्सेसफुली आपकी ट्रांजेक्शन जब हो जाएगी तो यू विल एंड अप विद दिस सॉर्ट ऑफ स्क्रीन ये बेसिकली स्क्रीन आपको ये बता रही है कि जो इंस्टॉलेशन आपने अपने कंप्यूटर पे की थी लोकल होस्ट पे अब वही इंस्टॉलेशन बेसिकली आपके क्लाउड के ऊपर प्रिपेयर की जा रही है ये कंट्रोल पैनल योर कंट्रोल पैनल सेटअप इज़ इन प्रोग्रेस एंड विल टेक फ्यू मोर सेकेंड्स जब तक ये वाला बटन एंटर योर कंट्रोल पैनल वाला बटन अनेबल नहीं होगा ये पीछे आपकी प्रपरेशन हो रही है जैसे ये बटन अनेबल होगा आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल एंड अप अपर विद दिस स्क्रीन इस स्क्रीन के ऊपर आपने अपनी कस्टमर आईडी और पासवर्ड या आपकी जब ट्रांजैक्शन हुई होगी तो आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया होगा आपने वो यहाँ पे एंटर करना है उसके बाद जब आप सक्सेसफुली एंटर कर लेंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड तो यू विल हैव दिस स्क्रीन मैंने क्योंकि ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग फिर लॉग इन कर जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे होस्टिंग पे तो यू विल हैव दिस स्क्रीन तो उसके बाद यहाँ पे अब आपको नजर आएगा प्रेस्टर शॉप प्रेस्टर शॉप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब एक्चुअली वो स्टेप्स होना शुरू हो जाएंगे जो लोकल होस्ट के ऊपर डाउनलोड के बाद होते हैं यानी अभी जब हमने फाइल को डाउनलोड किया था जिप फाइल को और उसको जैम के फोल्डर में मूव किया था तो ये अब उसके बाद जो भी स्टेप्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा तो आई विल एंड अप विद दिस फाइव स्टेप मैन्यू सबसे पहला स्टेप है टर्म्स ऑफ यूज तो मैं यहाँ पे सिर्फ चेक के बटन पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा ये अगली स्क्रीन आ जाएगी अब आप देखेंगे मोर और लेस फ्लो वही है क्लाउड पे इंस्टॉल करने का और अपने पीसी पे इंस्टॉल करने का फ़र्क सिर्फ ये है कि अभी आपके कंप्यूटर पे नहीं हो रहा ये ऑनलाइन हो रहा तो आप यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड बताएंगे उसे अपने एप्लीकेशन का नाम को लिख दें डोमेन आपसे वो कह रहे हैं कि जी एग्जिस्टिंग को यूज़ करनी है मेरे पास एक एग्जिस्टिंग डोमेन मौजूद थी क्लोदिंग ब्रांड डॉट नेट आपके पास जो अपनी हो वो आप यहाँ मेंशन कर दें उसके बाद आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल मेल देंगे जो उसका पासवर्ड है और वेबसाइट का टाइटल मेरा फॉर एग्जांपल टाइटल लिखा है मैंने क्लोदिंग विद स्टाइल आप अपनी मर्जी से कोई दे सकते हैं फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें देन यू विल एंड अप विद दिस अब आपके पास आपने अपने डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है ये स्टेप वही है जो हमने लोकल होस्ट पे हमने जब डेटाबेस क्रिएट किया था पी एच पी माई एडमिन को यूज़ करते वक्त आपने बिल्कुल वही डिस्क्रिप्शन देनी है डेटाबेस का पासवर्ड देना है और पासवर्ड री एंटर करना है दिस इज इट यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी डेटा बेस और डेटा बेस खुद से क्रिएट कर देगा उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है सो दिस यू हैव टू स्टोर समवेयर ये आपकी वेबसाइट का एक्चुअली एड्रेस होगा यूं कह लें आप इसको नोट डाउन कर लें नोट पैड में उसके बाद इसको कहीं आप लिख छोड़ें क्योंकि ये आपको ये बता रहा है डायरेक्टरी क्या है डेटाबेस का नाम क्या है और प्रेसर शॉप का वर्जन वन डॉट सेवन डॉट थ्री डॉट वन इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब एक्चुअली इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी नाउ दिस शोज के इंस्टॉलेशन इज़ इन प्रोग्रेस जब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो जाएगी तो दिस पेज शुड कम ये बेसिकली आपको ये बता रहा है सेटिंग अप द डेटाबेस बेस मैंने क्योंकि एक शॉप ऑलरेडी और भी कॉन्फिगर की हुई है तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जंकीज स्टोर डॉट कॉम ऑलरेडी कॉन्फिगर है और ये अभी इन प्रोग्रेस है जैसे ही दूसरी शॉप मेरी कॉन्फिगर हो जाएगी वो क्लोदिंग ब्रांड डॉट नेट के नाम से आ, मैंने की है तो जब ये विंडो आ जाए दिस मीन कि आपने वेबसाइट आपकी रेडी है फॉर यूज़ अब आपने जब वेबसाइट को ऑनलाइन एक्सेस करना है तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास एक वेबसाइट के एड्रेस होना चाहिए जब हमने लोकल पी सी किया था तो दैट वॉज लोकल होस्ट अब हमारे केस में क्लोदिंग ब्रांड डॉट नेट है और एडमिन का एक हमारे पास यहाँ पे पैनल है तो लेट एस ट्राई टू एक्सप्लोर इट लेट सपोज यहाँ पे लिखते हैं क्लोदिंग ब्रांड अगर सक्सेसफुल प्रेसर शॉप की इंस्टॉलेशन हो गई होगी आई शुड बी एबल टू सी यानी मुझे एक स्टोर रनिंग फॉर्म में नजर आना चाहिए लेट्स एक्सप्लोर इट तो अब ये अगर आपको नजर आ जाता है ये स्टोर आपको अगर नजर आ जाता है इससे मुराद ये है कि आपका क्लाउड के ऊपर डोमेन नेम के साथ मैपिंग हो गई है आपने सक्सेसफुली प्रेसर शॉप रन कर ली है फ्रंट एंड से बैक एंड से रन करने के लिए आपको क्लोजिंग ब्रांड डॉट नेट स्लैश एडमिन लिखेंगे तो इस तरह की कोई विंडो ओपन होगी अपना यूजर नेम लिखें जो एडमिन का यूजर नेम था एडमिनिस्ट्रेटर का और इसका पासवर्ड लिखें जो भी आपने साइन किया होगा और यहाँ पे लॉग इन करें अगर यहाँ पे आप लॉग इन कर जाते हैं सक्सेसफुली इफ यू आर एबल टू सी दिस थिंग अब यहाँ देख लें मैंने यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी लोकल होस्ट या वन टू सेवन डॉट कुछ नहीं लिखा सिंपल क्लोदिंग ब्रांड डॉट नेट के आगे मैंने एडमिन लिखा और ये मेरा डैशबोर्ड है ये मेरा एक कंट्रोल पैनल है सो दिस शोज कि हमने क्लाउड के ऊपर भी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हमने कर ली है शॉप की ये हम लोगों ने मर्जेंटो में करके नहीं देखी थी लेकिन ये हमने अब प्रेस्टा शॉप में सक्सेसफुल करके देख ली है